So hey guys, अगर इंट्रोड्यूसिंग द ग्लेनमोरेंजी 10 ईयर्स। अगर आप सिंगल मॉल्ट देख रहे हैं जो कि फ्रूटी एंड फ्लेवर्ड हो तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं ग्लेनमोरेंजी 10 ईयर्स। एंड इस विस्की को बर्बन कास्ट में एज करा गया 10 ईयर्स के लिए। एंड इसमें आपको जो टेस्ट मिलेगा आपको फिर वनीला ऑरेंज हनी एंड पीच का फ्लेवर नोट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ऑन द रॉक एंड कॉकटेल एंड मिक्सिंग के लिए कोई विस्की चाहिए तो डेफिनेटली आप चूज कर सकते हैं ग्लेनमोरेंजी 10 ईयर्स। थैंक यू।